अज मैं सर बोलो जी बोलो प्लीज बोली अज मैं नीति आयोग दी मीटिंग दे विच हिस्सा लैण लई जा रहा जिसकी अगवाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। दो दिन यह मीटिंग चलनी है और मैं पूरा होमवर्क करके लेके जा रहा। मैं थोड़े सामने दिखा रहा कि किवें पंजाब के जिहड़े मसले ने उत्थे रखे जाएंगे। हर एक पंजाब नाल दरपेश समस्या जिहड़ी है नीति आयोग के सामने रखांगे। इस तो पहला नीति आयोग ने बहुत बार पंजाब दे मुख्यमंत्री जिहड़े सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जां चरणजीत चन्नी उन्होंने बुलाया कि मीटिंग दे विच आ जाओ अपनियां मंगां रखो, पर बदकिस्मती पंजाब दी कि उन्होंने इन्हां अहम मीटिंगां दे विच जाना वाजब नहीं समझिया, ना ही कोई अपना अफसर भेजिया। 3 साल बाद पंजाब वल्लों कोई प्रतिनिधि जिहड़ा है वह नीति आयोग दे विच जा रहा और बकायदा होमवर्क लैके जा रहा। मैं ये उन्होंने 5 दिन पहले कहा कि तुसी उत्थे बोलोंगे की सानू लिखती चाहिए। असी 130 कापियां उन्होंने मंगियां सी सारियां जो मैं उत्थे मुद्दे रखने ने, जिहदे विच पानियां दा मुद्दा है, जिहदे विच किसानां दे जिहड़े करजे ने उन्हां दा जिहड़ा मुद्दा है, MSP दी लीगल गरंटी दा मुद्दा है, कनाल सिस्टम नहरी पानी जिहड़े ने उन्हां नूं बहाल करन दा मुद्दा है, बुढ़े नाले नूं साफ करन दा मुद्दा है, इंडस्ट्री नूं इत्थे वधिया माहौल देण दा मुद्दा है, ते जिन्ने भी पंजाब नाल संबंधित BBMB दा मुद्दा मैं उत्थे चुकूंगा। नाल नाल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दा मुद्दा है, सो हैल्थ नाल रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे ने जिहदे विच असीं नीति आयोग नूं इह कहांगे कि पंजाब जिहड़ा वो सेहतमंद पंजाब जिहड़ा असीं बनाउणा चाहुंदे हां उहदे लई सानूं फंड जारी करो। सो बकायदा तौर पर तुसीं देख सकते हो कि ये उन्होंने जिहड़ी मंगी सीगी स्पीच ऑफ भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब डिलीवर्ड ड्यूरिंग 7th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग प्रधानमंत्री जी की अगवाई। सो 7वीं मीटिंग है, ये तो पहला वालिया 4 मीटिंगों के कोई गए ही नहीं। इतों ही पता लगता सीगा कि वो पंजाब प्रति किन्ने सुहिरद सी। सो पंजाब के लोगों ने साडी जिम्मेवारी लाई है तो असी कोई भी यह जहा मौका नहीं छड़ांगे जिहदे नाल पंजाब दा कोई भला हुंदा होवे, पंजाब दे लोकां नूं कोई रोज़गार मिलदा होवे, पंजाब च कोई इंडस्ट्री आउंदी होवे, पंजाब दे विच खेती पैरां सिर हुंदी होवे, पंजाब दे पानी बचदे होण, पंजाब नाल संबंधित जिहड़ियां संस्थावां ने उन्हां नूं कोई लाभ पहुँचदा होवे। असीं एक भी मौका गवावांगे नहीं क्योंकि जिम्मेदारी लोगों ने साडी लाई है, लोगों ने अपना फर्ज निभाता, हुण फर्ज निभाउण दी वारी साडी है। असीं उस दिन किसानां नूं दस्सता सी कि 5 अगस्त तक 128 किसान रहिंदे सीगे कि 5 अगस्त तक उन्हां दा पैसा जिहड़ा वो उन्हां दे खात्यां चला जाऊगा, तो 125 किसानां दे खाते च पैसे चले गए। 3 किसानां दा कोई टैक्नीकल कोई कागजी कार्रवाई दी कमी है, वह भी दूर करके किसानां दा जिहड़ा पैसा साडे वल्लों चला जाऊ। संविधान दीआं सौहां खांदे ने, मुड़ के देश दा झंडा नहीं पसंद। सो इस तरह का जिहड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलूगा।
इस मुल्क ये मुल्क सानू साडे शहीदां ने लैके दिता है, ये साडे पुरखियां ने सानू मुल्क लैके दिता है। सो असी 90% कुर्बानियां दित्तियां ने, तो हुण असी कहिंदे जी सानू झंडा नहीं पसंद, सानू आ नहीं पसंद। ये सब इन्हां दीआं दुकानां ने जिहड़ियां उह खोलियां होईआं। पंजाब दे लोकां नू रोज़गार चाहीदा है, पंजाब दे लोकां नू इंडस्ट्री चाहीदी है, इत्थे पंजाब दे लोक किसानां नू MSP चाहीदी है, पंजाब दे जिहड़े बजुर्ग ने उन्होंने इलाज चाहिए वधिया। आ जिहड़ियां ये दुकाना खोली बैठे ने, ये दुकाना का कोई गाहक नहीं है। मैं तो उन्होंने पहले ही बधाई दिती है, मैं आप खुद मैच देखता रहा, जिन्हें भी नॉट ओनली पंजाब दे हरियाणे दे देश दे जिन्हियां मल्लां उन्होंने मारियां ने, मैडल जितते ने, हजे भी मैच चल रहे ने, हॉकी का मैच हजे सैमीफाइनल च पहुंचे हुए हैं, तो बहुत सारे मैच हजे रहिंदे ने। सो मैं उन्होंने शुभकामनावां भी देवांगा, तो पंजाब दे विच भी असी पंजाब खेड मेला 29 अगस्त नूं करांगे, जिहदे विच जिमनास्टिक, जिहदे विच वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, अथलैटिक्स, पावर लिफ्टिंग, खो खो, जिहड़ियां साडियां ट्रेडिशनल खेडां जिहड़ियां गायब हो गईआं सी, अलोप हो गईआं सी, उन्हां नूं भी असी जिंदा करांगे, ताकि साडे वध तों वध प्लेयर आउण वालीआं विश्व पद्धर दीआं चैंपीयनशिपां दे विच पोडियम ते होण, ते देश दा जिहड़ा झंडा उपर होवे। आयुष्मान योजना दे तहत इक इलाज बंद चल रहा है, बहुत सारे मरीज उस जगह ते करके तंग हो रहे ने पंजाब दे। ओह हो गया जी, ओह हो गया, PGI नाल सॉल्व आउट हो गया, ते ओह उन्हां नूं पैसे जारी हो जाणगे, ते इलाज शुरू हो चुके। मान साहब, केंद्र सरकार लगातार विचकरा कर रही है, MSP कमेटी तों बाहर रखे होया पंजाब नूं, क्यों होगा? मैं बिल्कुल इह मुद्दा उठाऊंगा, नाल नाल जिहड़ी कमेटी दे विच आप ही कमेटी बना के 26 मैंबरां दी, कहिंदे 23 मैंबरां दी, ते कहिंदे 3 तुसीं दे दो। सो जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने, किसान ने, जिहड़े असली जिहड़े किसान जिहड़े पीड़ित ने, उन्हां दे जिहड़े नुमाइंदे लैने चाहीदे ने, ना कि वह बंदे जिहड़े कि समय समय से किसी ना किसी तरीके इन्हां कानूनां का पक्ष पूरदे रहे ने। सो ये कमेटी तो फिर इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। 292 नौकरियां देती हैं, ज्यों ज्यों पोस्टां निकलियां जाणगियां असीं उन्हां नूं दे देंगे। सो बाकी गन्ना उत्पादक जिहड़े ने उन्हां दे पैसे भी असीं उस दिन जो तुहानूं दस्सिया सीगा। सो साडा मकसद ये है कि खेती नूं लाहेवंद धंधा बनाईए, खेती नूं मजबूरी का धंधा ना बनाउणा पवे, कि चलो होर नहीं कुछ, चलो खेती ही कर लैंदे आ। खेती नूं आउण वाले दिनां च असीं वधिया वड्डे वड्डे इंटरनेशनल जिहड़े विज्ञानी ने जां स्पैशलिस्ट ने, माहर ने, उन्हां दी सलाह लै के उन्हां दे सवावां लवांगे, तां कि पंजाब दी जिहड़ी ये जी सोना उगलन वाली धरती है, इनू दोबारे सोना उगलन वाली ही बनाया जाए। पानी भी हो साडे कोले होवे, साडी धरती भी जहरीली ना होवे, साडी हवा भी जिहड़ी है वह मैका बनती होवे। सो ये मेन यही साडा मकसद है। नहीं जी, आयुष्मान के जिहड़े पैसे दे दिते जिहड़े रहिंदे सीगे, ते ओह शुरू हो चुके है जी, ते जदों पंजाब अपने बलबूते ते इलाज करन लग गया उदों सानूं लोड़ नहीं पैनी। ठीक है ना, दिल्ली जिहड़ा ते बंगाल, दिल्ली ते बंगाल दे विच सारिआं वास्ते इलाज फ्री है। आयुष्मान च एक पर्टिकुलर वह कैटेगरी पाउंदे ने कि इन्हां नूं इलाज फ्री है। ठीक है ना, असीं अगले साल तक मुहल्ला क्लीनिक ते हस्पताल इन्ने वधिया बना देंगे कि सानूं आयुष्मान योजना की लोड़ नहीं पैनी, सारिआं नूं असीं इलाज फ्री करांगे। मिनिस्टरां नाल भी मीटिंग करांगे, जो जो भी मतलब कोशिश असीं करांगे कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति सिंधिया जी नूं मिलिए, ताकि अमृतसर साहब दा हवाई अड्डा ते मोहाली दे हवाई अड्डे तो इंटरनेशनल फ्लाइटां लंडन नूं, वैनकूवर नूं, सैन फ्रांसिस्को नूं, शिकागो नूं, इधर वैस्टर्न वर्ल्ड जिहड़ा डायरैक्ट फ्लाइटां अजकल हो गईआं वह खुल सकन, ताकि साडे जिहड़े दोनों एयरपोर्ट ने वो जिहड़े, क्योंकि बहुत दिल्ली दा एयरपोर्ट भी लगभग 70% पंजाबी ओ ट्रैवल करदे ने, ते इत्थे ही सानूं जे किते डायरैक्ट फ्लाइटां मिल जाण तां साडी खज्जल खुआरी काफ़ी बच सकदी। मान साहब, किसे समय विरोध प्रदर्शन करन जा रहे सी मुख्यमंत्री दी कोठी वाल, और अज खुद मुख्यमंत्री और उसी केस अज तुहाडी पेशी भी सी। विरोध प्रदर्शन बिजली दा रेट घटाउण वास्ते गए सीगे कि बिजली दे रेट घटाओ, उत्थे साडे ते पाणी पूणी मार के साडे ते केस दर्ज करता। बाकी मंत्री ते संतरी लई कानून इक्को जिहा, मैं अज उत्थे अदालत दे विच मानयोग अदालत दे विच साइन करके आया, ते ओ आप मुख्यमंत्री बन के फिर मैं बिजली दे रेट घटाते। ते तुसीं अज खबर भी पढ़ी होनी कि जिहड़े जुलाई दे बिल ने वह जीरो आउण लग गए, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है ना, ते हुण जदों अगस्त दे ते जुलाई दे बिल जिहड़े सितंबर दे पहले हफ्ते आउणगे, उदों तुहानूं उन्हां बिलां समेत जिहड़ा वह तुहाडे सामने पेश होवांगे। एक कहिंदे सी ये हो नहीं सकता, जिहड़े विरोधी धिर कहिंदे सी, ते उन्हां दे जिहड़े जुबान नूं